इतने लंबे बाल करने के लिए सिर्फ 3 दिन आपको इस रेमेडी को लगाना है, फिर चौथे दिन आप देखेंगे कि बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऐसा ही एक पावरफुल रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए। इसे बनाने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, कोई मार्केट से कोई चीज आपको लेकर लाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ घर पर रखे चीजों का इस्तेमाल करके आप इस रेमेडी को बनाइए एंड यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ भी रहे होंगे तो बालों का झड़ना भी कम होगा, बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे एंड बालों में अच्छा सा घनापन आएगा, सिल्कीनेस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इन सारे ही चीजों पर हम बात करेंगे। बस आपको ये यकीन रखना है कि ये जो रेमेडी है ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। गंजे सिर पर भी ये नए बालों को तेजी से उगाने का क्षमता रखता है। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प गंजापन होते जा रहा है, स्कैल्प में एलोपेसिया का प्रॉब्लम आते जा रहा है, तो उन लोगों को भी ये रेमेडी जरूर यूज करना चाहिए। दुमुहे बालों का प्रॉब्लम अगर है तो उसे भी, उन लोगों को भी ये रेमेडी जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कैसे बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी साफ बर्तन में चावल ले लेना है, चावल आपको धोकर ही लेना है क्योंकि चावल में पॉलिश लगे हुए होते हैं ना, तो अच्छे से आपको साफ कर लेना है चावल। उसके बाद आपको 1 चम्मच के करीब चावल यहाँ पर इस बर्तन में डाल देना है और 1 गिलास के करीब पानी भी डाल देना है। फ्रेंड्स, चावल से हमारे बाल बहुत ज्यादा सिल्की भी होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे बालों के जड़ों में जाकर के हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। और जिनके भी बाल बहुत ज्यादा रफ हो रखे हैं उन लोगों के लिए चावल का पानी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसे रात में भिगो करके रखें फिर सुबह हम चावल के पानी को अप्लाई करें, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से उबालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप हाई फ्लेम पर भी उबाल सकते हैं, लो फ्लेम पर भी उबाल सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, तेज पत्ता, बे लीफ। बे लीफ हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सिर्फ बे लीफ का पानी अगर आप यूज करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बाल एकदम भी नहीं गिरेंगे, मतलब एक भी बाल गिरेंगे ही नहीं। ये हमारे बालों को इतना ज्यादा मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबाल दिया है। और उबालते वक्त अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब चावल पक जाएगा उसके बाद आपको बर्नर ऑफ कर देना है एंड इसे अच्छे से छान लेना है। फ्रेंड्स, ये जो मार निकल करके आया है चावल का पानी, यही पानी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यकीन ना हो तो आप एक बार यूज करके देख लीजिएगा, इससे किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसके बाद हमें इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, अभी इस पर हम 1-2 और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ओलिव ऑयल लगभग 4 से 5 बूंद हम यहाँ पर डाल देंगे एंड उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ओलिव ऑयल अगर आप डालते हैं तो इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी पोषक तत्व को ये हमारे बालों के जड़ों में डीप लेयर तक पहुंचाने का काम करता है एंड बहुत ही इजीली पेनिट्रेट करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे ओलिव ऑयल ऐड करना। आप चाहे तो नारियल का तेल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा तेल जो आपको सुटेबल होता है, जो आपको पसंद है, वो तेल आप यहाँ पर ऐड करके मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों पर अच्छे से लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको सुटेबल होता है तो आप प्लीज ओलिव ऑयल ही यूज कीजिए, ओलिव ऑयल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद इसे हमें पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई करना है, हेयर लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाल के जड़ों में तो अप्लाई करना ही करना है। एंड अप्लाई करने के बाद कम से कम 45 मिनट के लिए अपने बालों पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हमारे बाल थोड़े ड्राई ड्राई से लग रहे हैं तब आपको बाल धो लेना है शैम्पू की मदद से। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, एंड जिसकी वजह से बाल एकदम नहीं झड़ेंगे। और जैसे जैसे आप इसे लगाते जाएंगे, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए यूज करते जाएंगे, बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। एंड ये रेमेडी आपको वीक में सिर्फ 3 दिन यूज करना है। 3 दिन यूज करने के बाद आप देखेंगे कि बालों का कंडीशन पहले के कंपेयर में काफी अच्छा हो गया है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जाइए फिर इसे बनाइए एंड यूज करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।